हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियंका गौर, वेलकम टू लर्निंग विद पेस। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इनके फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट वर्क हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। जॉन ड्राइडन वॉज बोर्न इन 1631 इन नॉर्थ हैम्पटन शायर, और इनका यहाँ पर पूरा लाइफ स्पैन लिखा हुआ है, 1631 टू 1700 इनका लाइफ स्पैन रहा है। और इन्होंने अपने जितने भी लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस किए वो इन्होंने लंदन में रहकर किए हैं। तो ये लंदन मूव कर गए थे इन 1657 और 1658 ही मूव्ड टू लंदन, वेयर ही रिमेन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ मैन ऑफ लेटर्स। एंड फॉर 40 ईयर्स इन लंदन ही अबंडेंटली प्रोड्यूस्ड लिटरेरी वर्क ऑफ एवरी काइंड, पोएम, प्लेज, प्रोज वर्क। अब जॉन ड्राइडन जो थे वो लंदन मूव कर गए थे और वहाँ पर रहकर इन्होंने लिटरेरी वर्क लिखा हर तरीके का, जैसे कि इन्होंने पोएम्स, प्लेज, प्रोज वर्क, सटायरिकल वर्क, इन्होंने हर जॉनरे में लिखा। इंग्लैंड्स फर्स्ट पोइट लॉरिएट, जॉन ड्राइडन इंग्लैंड के फर्स्ट पोइट लॉरिएट रहे। 1668 में इनको पोइट लॉरिएट बनाया गया और 1688 तक इनके पास पोइट लॉरिएट की ये पोजीशन रही थी या ये टैग रहा था। लेकिन इनके बाद 1689 में इनसे ये पोइट लॉरिएट की जो उपाधि थी वो छीन कर शैडवेल को दे दी गई थी। उसके पीछे भी हालांकि रीज़न है, वो हम आगे जैसे ही पेजेस पर आगे जाते जाएंगे वो हम रीज़न भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि इंग्लैंड के फर्स्ट पोइट लॉरिएट कौन रहे हैं, तो वो थे जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन को हिस्टोरियोग्राफर रॉयल की भी पोजीशन दी गई 1670 में। हिस्टोरियोग्राफर रॉयल क्या होते हैं, जो क्रॉनिकलर्स होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, उनको ये उपाधि दी जाती है, ये पोजीशन दी जाती है। डॉक्टर जॉनसन ने ड्राइडन को प्रेज़ किया, ड्राइडन फाउंड इंग्लिश पोइट्री ब्रिक एंड लेफ्ट इट अ मार्वल। और जो सैमुअल पिप्स थे, ये डायरिस्ट थे, इन्होंने भी जॉन ड्राइडन को प्रेज़ किया। इन्होंने कहा, जब ये मिस्टर ड्राइडन से मिले थे उसके बाद इन्होंने ये कोट दिया था, ही मेट मिस्टर ड्राइडन द पोइट एंड ही रिमेन्ड मिस्टर ड्राइडन द पोइट टिल द डे ऑफ हिज डेथ। और अलग अलग तरीके से सभी ऑथर्स ने इनको प्रेज़ किया है। वॉल्टर स्कॉट ने इनको एक टाइटल दिया ग्लोरियस जॉन का, तो कई जगह पर आपको ग्लोरियस ड्राइडन भी मिल सकता है, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो जो भी आगे ये ग्लोरियस वर्ड लिखा होगा, जॉन लिखा हो या ड्राइडन लिखा हो, ये दिया है वॉल्टर स्कॉट ने इनको टाइटल। अब देखिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको पता चलेगी कि ड्राइडन ने किस तरीके से अपने जो फेथ थे ना उसको किस तरीके से बिलीफ एंड फेथ को चेंज किया टाइम टू टाइम। जैसे कि जब ओलिवर क्रॉमवेल रहे तब ओलिवर क्रॉमवेल के ये लॉयल रहे थे, फिर इनके बाद जब रेस्टोरेशन हुआ चार्ल्स टू का, ठीक है, तब ये चार्ल्स टू के लॉयल हुए। तो इस तरीके से इन्होंने अपने फेथ को चेंज किया, अपने बिलीफ को चेंज किया। अब रेस्टोरेशन से पहले ये क्रोमवेलाइट थे और रेस्टोरेशन के बाद ये चेंज हो गए थे। एंड इज अर्लीस्ट वर्क ऑफ एनी इंपॉर्टेंस इज प्री रेस्टोरेशन, इट कंसिस्ट ऑफ लोडेशन ऑफ रिसेंटली डेड ओलिवर क्रोमवेल। अब इन्होंने प्री रेस्टोरेशन वर्क में ओलिवर क्रोमवेल को अपलोड किया है, इस पोयम में इन्होंने ओलिवर क्रोमवेल को अपलोड किया है, उनकी प्रशंसा की है, प्रेज़ किया है उनको, और इन्होंने एक हीरोइक स्टैंजा भी लिखा उन पर, जो कि ईओलॉजी आप बोल सकते हो, हीरोइक स्टैंजाज ऑन द डेथ ऑफ ओलिवर क्रोमवेल, ये इन्होंने लिखा था 1659 में। ये इनके रेस्टोरेशन से पहले का वर्क है, जो एक मेजर पोईम इन्होंने लिखी थी, और ये इन्होंने क्रोमवेल की डेथ पर लिखी थी, और इसमें इन्होंने क्रोमवेल को खूब प्रेज़ किया है, उनकी हीरोइक क्वालिटीज़ बताई हैं, और ये जो वर्क है हीरोइक स्टैंजाज में है। और रेस्टोरेशन से पहले जो इनका वर्क फर्स्ट पब्लिश हुआ था, पोईम हुई थी, वो यही थी। अब क्या होता है कि 1660 में फिर ये चार्ल्स टू के लिए वर्क लिखते हैं, वो वर्क है एस्त्रिया रिडक्स। अब ये एस्त्रिया रिडक्स लिखते हैं 1660 में, जैसा कि आपको पता है रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हुई थी, चार्ल्स टू वापस आ गए थे, फ्रांस से वापस आए थे, ठीक है, क्योंकि इंटरेग्नम पीरियड के बाद जब कोई किंग बने तो इसलिए उसको रेस्टोरेशन पीरियड कहा गया। तो चार्ल्स टू वापस आए तो इन्होंने इनके सेलिब्रेशन में ये वर्क लिखा था एस्त्रिया रिडक्स। अब यहाँ पर ये जो वर्क है ये लिखा गया हीरोइक कपलेट में, वैसे इनके ऑलमोस्ट सभी वर्क हीरोइक कपलेट में थे, एक दो को छोड़ के, जो इन्होंने ऑल फॉर लव जो है वो इन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखी थी। एस्त्रिया रिडक्स की बात करते हैं अभी, देखिए इसने इन्होंने ये वर्क जो है वो सेलिब्रेट किया था चार्ल्स टू के लिए। प्लस अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि इन्होंने इससे पहले तो ये क्रोमवेल के फेथ में थे, क्रोमवेल को बिलीव करते थे या क्रोमवेल की साइड में थे, उनको प्रेज़ किया करते थे, लेकिन इन्होंने एस्त्रिया रिडक्स में उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज किया,
यहाँ पर, क्योंकि ये अपनी फेथ को चेंज कर रहे हैं, है ना। कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए ड्राइडन ने यहाँ पर अपने फेथ को चेंज कर लिया। तो ड्राइडन अपोलोजाइजेस फॉर हिज एलिजियंस विद द क्रोमवेलाइट गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पर इस वर्क में ये क्रोमवेल के लॉयल होने के लिए अपनी अपोलोजी मांगते हैं इस वर्क में, ओके, कि उन्होंने क्रोमवेलाइट गवर्नमेंट को लाइक उनका सपोर्ट किया ड्राइडन ने। तो यहाँ पर ये एस्त्रिया रिडक्स में चार्ल्स टू की तरफ अपना बिलीफ दिखाते हैं। इस वर्क में ड्राइडन जो है वो क्रोमवेल और रेस्टोरेशन के टाइम पीरियड को एस्त्रिया बताते हैं। एस्त्रिया क्या होता है, जैसे कि वो टाइम जो कियोस में होता है, टर्बुलेंस वाला जो टाइम होता है। और यहाँ पर फिर ये बताते हैं कि जो चार्ल्स टू है इस वर्क में बताते हैं कि किस तरीके से उनके आने के बाद एक पीस आया है लंदन में। तो इस तरीके से इनको प्रेज किया जाता है, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ड्राइडन चेंज्ड हिज साइड्स इन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स विदाउट मच क्वाम्स ऑफ कंसाइंस। ड्राइडन टाइम टू टाइम अपना रिलीजन, अपने पॉलिटिकल परसुएशन चेंज करते रहे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, इन हिज प्री रेस्टोरेशन वर्क वी कैन सी गुड डील ऑफ लोडेशन ऑफ ओलिवर क्रोमवेल हु डाइड इन 1658। अगर हम इनके ड्राइडन के अगर हम प्री रेस्टोरेशन वर्क की तरफ बात करें, उन वर्क की तरफ देखें, तो हमें ये देखने को मिलता है कि उन्होंने ओलिवर क्रोमवेल को कितना प्रेज किया है, इनको अपलोड किया है, हीरोइक स्टैंजाज में अपलोड किया है। लेकिन अगर हम रेस्टोरेशन पीरियड में देखें तो रेस्टोरेशन पीरियड में इनके व्यूज़ बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अब रेस्टोरेशन पीरियड में वो चार्ल्स टू के फॉलोअर बन जाते हैं एंड चर्च ऑफ इंग्लैंड में वो एक फेथ दिखाने लगते हैं। ऑल दो ये जो इन्होंने चेंज किया अपना फेथ को, पॉलिटिकल परसुएशन को, इनकी वजह से इन्हें काफ़ी रिवॉर्ड मिले इनकी ऑनर्स में, इनके पेंशंस में। जैसे कि आपको पता ही है कि उनको हिस्टोरियोग्राफर रॉयल की पोजीशन मिली, पोइट लॉरिएट बना दिया गया उनको। तो ये ऐसे कुछ इनको बेनिफिट्स मिले। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ये रेस्टोरेशन पीरियड से पहले ओलिवर क्रोमवेल के फॉलोअर थे, रेस्टोरेशन पीरियड में ये चार्ल्स टू के फॉलोअर रहे। अब चार्ल्स टू के बाद जब थ्रोन पर जेम्स टू आए, तो अब भी ड्राइडन ने अपना दोबारा से अपना पॉलिटिकल परसुएशन चेंज किया, रिलीजियस फेथ चेंज किया, अब ये जेम्स टू के फॉलोअर बन गए। तो टाइम टू टाइम इन्होंने अपनी रिलीजन एंड जो भी इनके पॉलिटिकल परसुएशन है वो चेंज किए, इसीलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, ओके। देन ऑन द एक्सेशन ऑफ जेम्स टू इन 1685, ड्राइडन वंस अगेन चेंज्ड हिज रिलीजियस फेथ एंड पॉलिटिकल परसुएशन एंड नाउ ही बिकेम अ रोमन कैथोलिक। अब जेम्स टू के बाद इन्होंने अपनी पॉलिटिकल परसुएशन जो चेंज की, ये इनके फॉलोअर बन गए, प्लस इन्होंने रिलीजियस फेथ चेंज किया, क्योंकि जेम्स टू भी रोमन कैथोलिक थे तो ड्राइडन भी रोमन कैथोलिक बन गए। टू हिज न्यू बिलीफ ही एडहेयर्ड स्ट्रॉन्गली, ऑल्दो इट कॉस्ट हिम हिज पोस्ट ऑफ पोइट लॉरिएट एंड हिस्टोरियोग्राफर रॉयल। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन्होंने जेम्स टू के बाद अपना फॉलो, जो इनके लाइक जो ड्राइडन इनके फॉलोवर रहे, तो इन्होंने अपना जो पॉलिटिकल परसुएशन चेंज किया था, रिलीजियस फेथ चेंज किया था, जेम्स टू के बाद ये उसको नहीं करते। जेम्स टू के ये फिर स्ट्रॉन्गली फॉलोअर बन जाते हैं और ये रोमन कैथोलिक ही रहते हैं। इन्होंने जब विलियम द ऑरेंज आए एंड जो क्वीन मैरी आई, तो वहाँ पर उनके सामने उनके फेवर में ओथ लेने के लिए ड्राइडन ने मना कर दिया और अपना रिलीजियस फेथ चेंज करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्गली बिलीव दिखाया कैथोलिसिज्म में। तो इसी वजह से इनकी जो पोस्ट थी दोनों ही, जैसे कि पोइट लॉरिएट एंड हिस्टोरियोग्राफर रॉयल, वो इनसे वापस ले ली गई थी, जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। After the bloodless revolution of 1688, Dryden had to face difficulties due to his adherence to Catholicism. अब हुआ ये, जैसे कि आपको पता है कि 1688 में bloodless revolution हुआ था, क्योंकि कोई खून खराबा नहीं हुआ था, जेम्स टू भाग गए थे, तो इसी वजह से कोई खून खराबा हुआ नहीं विलियम द ऑरेंज, क्वीन मैरी एंड जेम्स टू के बीच में। अब विलियम द ऑरेंज एंड क्वीन मैरी जो थे, उन्होंने ड्राइडन को उनके फेवर में ओथ लेने के लिए कहा। अब ड्राइडन ने यहाँ पर मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग बिलीव दिखाया कैथोलिसिज्म में। तो इसी वजह से इनकी लॉरिएटशिप इनसे लेकर इनके राइवल पोइट को दे दी थी, और इनके राइवल पोइट कौन थे, थॉमस शैडवेल। अब इनसे दोनों पोजीशन ले ली, एक तो हिस्टोरियोग्राफर रॉयल की, पोइट लॉरिएटशिप की। इनसे जो ड्राइडन थे ना, इनको कोर्ट से कोई भी फेवर नहीं मिलता था, तो इसलिए ड्राइडन ने रिटायरमेंट ले लिया।
अब जो ड्राइडन के पास लास्ट ईयर अपनी लाइफ के बचे थे, रिटायरमेंट के जो भी टाइम था, वो इन्होंने लिटरेरी लेबर में ही निकाला। इन्होंने एंशियंट जितने भी ऑथर्स थे, जैसे कि ग्रीक ऑथर्स थे या जो भी फ्रेंच ऑथर्स थे, उन सबके वर्क को इन्होंने ट्रांसलेट किया, ठीक है। जैसे इन्होंने होमर, वर्जिल, इन सबके वर्क को ट्रांसलेट किया। एस्त्रिया रिडक्स के बाद इन्होंने रेस्टोरेशन पीरियड में टू हिज मैजेस्टी लिखा, जिसको इन्होंने दो भागों में बांटा। एक तो था अ पैनिग्रिक ऑन हिज कॉरोनेशन, और सेकेंड वन टू माई लॉर्ड चांसलर, जो इन्होंने दोनों लिखे थे 1662 में, ठीक है। मैं दोबारा से नाम बोल देती हूँ। अ पैनिग्रिक ऑन हिज कॉरोनेशन, किसके कॉरोनेशन पे? चार्ल्स टू के कॉरोनेशन पे। और सेकेंड था टू माई लॉर्ड चांसलर, तो इन्होंने ये लिखा था चार्ल्स टू के रिटर्न, जब चार्ल्स टू आए थे, लाइक रेस्टोरेशन जब हुआ था, उस सेलिब्रेशन में लिखा गया था कि किस तरीके से उनका कोरोनेशन हुआ और किस तरीके से चार्ल्स टू जो थे उन्होंने इस टर्बुलेंट पीरियड को संभाला। कौन सा टर्बुलेंट पीरियड? जो प्री रेस्टोरेशन से लेकर, मतलब जो इंटररेग्नम पीरियड से लेकर रेस्टोरेशन पीरियड तक का टाइम पीरियड था, ठीक है। इन्होंने अपनी अर्ली एजेस में एक एलिगी भी लिखी थी जब लॉर्ड हेस्टिंग्स की डेथ हुई थी, लेकिन उस टाइम पर वो जो एलिगी इन्होंने लिखी थी उसका इम्प्रेशन थोड़ा बैड रहा, कुछ अच्छी वो एलिगी चली नहीं। अब इनका नेक्स्ट वर्क है एनस मिराबिलिस। अब ये जो वर्क है इन्होंने 1667 में प्रोड्यूस किया था। ये पोयम जो है ये क्वाट्रेंस में लिखी गई थी। इट गिव्स अ स्पिरिटेड अकाउंट ऑफ द ग्रेट फायर एंड वॉर विद डच और हॉलैंड। अब देखिए, यहाँ पर इस एनस मिराबिलिस वर्क में ये दो बहुत बड़े जो अकाउंट हुए थे लंदन में, जब बहुत बड़े प्रॉब्लम हुई थी लोगों के साथ, उन दोनों अकाउंट को इन्होंने इसमें डाला है। उस पर ये लिखी गई थी ये पोयम। जैसे कि ग्रेट फायर के बारे में इन्होंने बताया, जैसे कि आपको पता ही है कि जब ग्रेट फायर हुई थी लंदन में, तो उस टाइम पर काफ़ी चर्चेज़ वगैरह जो थी, बहुत सारी चर्च जल गई थी और बहुत सारा नुकसान भी हुआ था, तो वो फायर की वजह से लंदन में काफ़ी सारा नुकसान हुआ था। लेकिन यहाँ पर इस पोयम में ये बताया है ड्राइडन ने कि किस तरीके से गॉड ने अपना मिरेकल दिखाया, लंदन सेव हो गया, फायर स्टॉप हो गई थी, और जो किंग चार्ल्स टू थे उन्होंने फिर प्रॉमिस किया लोगों को कि वो रीबिल्ड करेंगे लंदन को और अच्छे से यहाँ की लंदन की स्ट्रीट को इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर इस पोयम में किंग चार्ल्स टू के लाइक आइडियाज़ बताते हैं ड्राइडन, उनके वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने प्रॉमिस किया लोगों को कि वो लंदन में एक पीस लाएंगे, यहाँ की स्ट्रीट को वो दोबारा से इम्प्रूव करेंगे, लंदन को दोबारा से इम्प्रूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस पोयम में ड्राइडन के व्यूज़ दिखाई देते हैं कि ये जो डिज़ास्टर्स थे देवर ऑल एवर्टेड, दैट गॉड हैज़ सेव्ड इंग्लैंड, किससे? डिस्ट्रक्शन से, एंड दैट गॉड हैज़ परफॉर्म्ड मिरेकल्स फॉर इंग्लैंड। तो यहाँ पर गॉड का एक मिरेकल दिखाया है कि किस तरीके से भगवान ने इनके लंदन को बचाया, किस तरीके से मिरेकल दिखाया, और फिर किस तरीके से चार्ल्स टू ने दोबारा से लोगों को प्रॉमिस किया कि वो लंदन की स्ट्रीट को अब इम्प्रूव करेंगे, अपने प्लान्स अनाउंस किए। तो इस पोयम में हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब इनके नेक्स्ट वर्क देख लेते हैं, द राइवल लेडीज़, जो कि 1663 और 64 के बीच में लिखी गई थी। अब ये श्योर नहीं है कि 63 में लिखी गई थी या 64 में, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि ज़्यादा डेट्स पर ध्यान मत देना, क्योंकि डेट्स बहुत सारी हो जाएंगी याद करने के लिए, जो कि बहुत इम्पॉसिबल है याद रखना, क्योंकि लिटरेचर में इतना वर्क लिखा गया है, इतना लिटरेरी वर्क है हर एक की, आप डेट याद नहीं रख सकते। बट हाँ, आपको क्रोनोलॉजिकली पता होना चाहिए कि कौन सा पहले लिखा गया, कौन सा बाद में लिखा गया, और ये पता होना चाहिए कि कौन सी कॉमेडी है, कौन सी ट्रेजिक कॉमेडी है, ये सब भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द राइवल लेडीज़, जो कि एक ट्रेजिक कॉमेडी है, यहाँ पर सिर्फ कॉमेडी लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे आप ट्रेजिक कॉमेडी भी लगा लेना, ट्रेजी लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट इनका वर्क है जो कि एक प्योर कॉमेडी इन्होंने लिखी, एन इवनिंग्स लव, और जिसका सब्स्टिट्यूट नेम था द मोक एस्ट्रोलॉजर। ओके, इनका नेक्स्ट वर्क है द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। एक्चुअली में ये जो वर्क है ना, ये पहले एक्ट किया गया था चार्ल्स टू के आगे, और बाद में इसको पब्लिश किया गया था। तो जब इसको एक्ट किया गया दो पार्ट में, 1669 और 1670 दोनों टाइम पर इसको एक्ट किया गया था, और फिर बाद में इसको अगले साल पब्लिश कर दिया गया था। और यहाँ पर एक बैटल दिखाई गई है मूर्स एंड स्पेनिश के बीच में, तो उसी पर बेस्ड ये प्ले है।
इनका नेक्स्ट वर्क है औरंगजेब, जो कि बेस्ट राइम्ड हीरोइक प्ले है और एक ट्रेजेडी है ये। द प्लॉट इज रिमोटली इवेंट्स बाय विच द मुगल औरंगजेब गेन द एम्पायर ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज फादर एंड हिज ब्रदर्स। देखिए इस जो ये प्ले है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि फैक्चुअली करेक्ट नहीं हैं, बहुत ही इनकरेक्ट हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कैरेक्टर लिए हुए हैं जिनका बिल्कुल भी कहीं भी हिस्ट्रीज में जिक्र नहीं है, जैसे कि इंदमोरा। इंदमोरा जो है वो औरंगजेब से प्यार करती है और औरंगजेब उनसे प्यार करते हैं, और इसका रियल लाइफ में कोई इसका लेना देना नहीं है इंदमोरा का, क्योंकि वो एक कैप्टिव क्वीन दिखाई गई है कश्मीर से। और हाँ, यहाँ पर कुछ एक चीज़ें बिल्कुल सही हैं, जैसे कि जो औरंगजेब हैं ही वॉज द थर्ड यंगेस्ट सन ऑफ शाहजहाँ, और शाहजहाँ कौन थे, द मेकर ऑफ ताजमहल। और आपको ये भी पता है कि ओल्ड दिल्ली जो है उनको, ओल्ड दिल्ली को शाहजहानाबाद भी कहा जाता है। तो मुगल एम्पायर यहाँ पर दिखाया गया है किस तरीके का था, इंडिया में इन लोगों का कैसे राज रहा है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर जो इसमें उठाए गए हैं और जो स्टोरी है वो बिल्कुल भी रियल लाइफ से लिंक नहीं है, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टर बिल्कुल सही हैं, कुछ कैरेक्टर बिल्कुल भी मैच नहीं करते हिस्ट्री से। तो लेकिन हाँ, ये है कि चार्ल्स टू ने इस ट्रेजेडी को बेस्ट ट्रेजेडी बताई थी, और इनका जब ये चार्ल्स टू के आगे इनको एक्ट किया गया था तो बहुत अच्छा इनको रिवॉर्ड मिला था। नेक्स्ट है ऑल फॉर लव द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, ये इनका सब्स्टिट्यूट नेम है, 1678 में लिखी गई थी, ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है। ये इनका वर्क है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, पता होना चाहिए आपको। एक्नोलेज्ड इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। अब यहाँ पर ये आप बोल सकते हो कि शेक्सपियर के जो एंटनी एंड क्लियोपैट्रा वर्क है वहाँ से ये उठाकर लिया गया, उसे इन्फ्लुएंस होकर यह वर्क लिखा गया था। इट क्लियरली शोज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ शेक्सपियर। अब शेक्सपियर के वर्क से उठाकर लिखा गया तो ऑब्वियसली ये तो अपेरेंटली सही बात लिखी गई है कि शेक्सपियर का इन्फ्लुएंस इस वर्क में देखने को मिलता है। तो ये जो वर्क है ये इसके इन्फ्लुएंस में लिखा गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है। और ये भी पता होना चाहिए कि ये वर्क ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि ड्राइडन ने लिखा था ब्लैंक वर्स में, तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इन ऑल फॉर लव हीरोइक सेंटिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन ब्लैंक वर्स इंस्टेड ऑफ राइम। देखिए वैसे तो राइम में हीरोइक सेंटिमेंट्स दिखाए जाते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन यहां पर राइम का कोई यूज नहीं किया, बल्कि ब्लैंक वर्स में यह सारा वर्क जो है लिखा गया था। और जो ये स्टोरी है इसको पढ़ने से पहले, इस देखिए इस स्टोरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ओके। इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे कैरेक्टर के नाम पूछे जा सकते हैं। तो आपको पहले शेक्सपियर ने जो एंटनी एंड क्लियोपैट्रा वर्क लिखा है उसको, उसकी सिनॉप्सिस को जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी सिनॉप्सिस को आप जानेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑल फॉर लव में हम ये देखेंगे कि ड्राइडन ने अपनी तरफ से भी कुछ कैरेक्टर्स ऐड किए हैं जो शेक्सपियर ने नहीं किए हैं, जिनके बारे में शेक्सपियर ने जिक्र ही नहीं किया है। लेकिन हाँ, ये है कि ये जो वर्क है ऑल फॉर लव, ये एंटनी एंड क्लियोपैट्रा पर ही बेस्ड है। और यहाँ पर ऑक्टेविया को दिखाया गया है जो कि एंटनी की वाइफ होती है, लेकिन एंटनी जो है वो क्लियोपैट्रा से प्यार करता है, और लोगों ने इनको अलग करने की कोशिश की लेकिन ये अलग नहीं होते हैं। तो कुछ इस टाइप का प्ले है, आप एक बार इसको सिनॉप्सिस का पढ़ के देख लेना, ओके। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इससे कैरेक्टर्स का नाम आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर कैरेक्टर्स के नाम ज़रूर पूछता है ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क से, राइट। जॉन ड्राइडन की लिरिकल पोइट्री पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है टू द पायस मेमोरी ऑफ मिसेस एन किलिग्रू। नेक्स्ट है एन ओड ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर हेनरी परसेल, सॉन्ग फॉर सेंट ससीलियाज डे, अलेक्जेंडर्स फीस्ट। और इनके अब कुछ लॉन्गेस्ट एंड बेस्ट नोन जो वर्क हैं वो देख लेते हैं। अपॉन द डेथ ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि एक एलिगी थी और जिसके बारे में हम फर्स्ट पेज पर बात भी कर चुके हैं। नेक्स्ट इन्होंने वर्क लिखा ब्रिटानिया रीडिवाइवा। अब जो ये वर्क था, दैट वर्क वाज सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ अ सन एंड एयर टू किंग जेम्स। तो जेम्स टू का जो सन है वो उस टाइम पर उनका बर्थ हुआ था, तो उसके सेलिब्रेशन में ये वर्क लिखा गया था। नेक्स्ट इनका वर्क है एलोनोरा। यहाँ पर ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, द वाइल्ड गैलेंट। अब ये वर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर जो ये लाइन लिखी गई है ना फर्स्ट प्ले, इसका मतलब है कि आपको पता है ना कि प्यूरिटन ने बैन कर दिया था थिएटर्स को, तो 1660 में चार्ल्स टू ने इस बैन को हटा दिया था और थिएटर को रीओपन कराया गया था। तो जब थिएटर रीओपन हुए उस टाइम पर जो फर्स्ट प्ले वहाँ पर एक्ट किया गया वो था द वाइल्ड गैलेंट, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट वर्क है और ये एक कॉमेडी थी।
नेक्स्ट इनका वर्क है द इंडियन क्वीन, जो कि इन्होंने ब्रदर अपने ब्रदर इन लो के कोलैबोरेशन में लिखा। इनके ब्रदर इन लो का नाम है रॉबर्ट हावर्ड। अब इंडियन क्वीन के बाद इन्होंने इसका सीक्वल लिखा द इंडियन एम्परर, जो कि एक हीरोइक प्ले है और ये किसका सीक्वल है, द इंडियन क्वीन का। नेक्स्ट वर्क है टायरनिक लव, जो कि 1669 में लिखा गया था और इसका एक जो सब्स्टिट्यूट नेम है दैट इज़ द रॉयल मार्टर। अब ये जो वर्क है ये एक हीरोइक प्ले है और ये किस चीज़ पर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ मार्टिरडम ऑफ सेंट कैथरीन बाय रोमन एम्पायर मैक्सिमम एंड इट वॉज रिडिक्यूल्ड इन द रिहर्सल बाय शैडवेल। जो ये वर्क है ना टायरनिक लव, इसके टाइटल से एक वर्ड निकल कर आता है टायरेंट, दैट मीन्स तानाशाही, है ना। तो यहाँ पर तानाशाह किसे दिखाया गया है, रोमन एम्पायर जो है ना मैक्सिमम उसके एम्परर को दिखाया गया है। इसके एम्परर का नाम होता है मैक्सिमाइनस। अब जो सेंट कैथरीन होती है अलेक्जेंड्रिया से, सेंट कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया जब मैक्सिमाइनस को बहुत सारी चीज़ों के लिए रिफ्यूज़ कर देती है फॉर सम सेक्सुअल पैशन एंड ऑल, तो इसी वजह से इनका मार्टिरडम कर दिया जाता है और इनका मार्टिरडम करते हैं रोमन एम्पायर के एम्परर, ठीक है। अब जो ये वर्क है टायरनिक लव, ड्राइडन ने इस वर्क को 7 वीक्स में कंप्लीट कर दिया था, लेकिन इस वर्क को रिडिक्यूल किया है शैडवेल ने अपने वर्क में द रिहर्सल में, ठीक है। तो इसीलिए ये वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसको किस वर्क में शैडवेल ने रिडिक्यूल किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट ड्राइडन का वर्क है एब्जुलोम एंड अकीटोफेल। ये जो पोयम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जामिनर किस फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आपसे ये पूछ लेंगे कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये कैरेक्टर याद रखने हैं जितने भी यहाँ पर कैरेक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है, इसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पोयम है ये सटायरिकल एलिगरी में लिखी गई और इसमें विग पार्टी को रिडिक्यूल किया गया। अब ड्राइडन जो थे वो टोरी पार्टी से बिलोंग करते थे जो रॉयलिस्ट को सपोर्ट करते थे, और जो विग पार्टी से बिलोंग करते थे वो लोग किसको सपोर्ट करते थे, पार्लियामेंट को। तो जो शैडवेल थे ना, जो इनके राइवल पोइट थे, वो विग पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये विग पार्टी को भी रिडिक्यूल करते हैं, शैडवेल को भी रिडिक्यूल करते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ना राइवलरी की, लाइक इन दोनों के बीच में जो राइवलरी स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है, एब्जुलोम एंड अकीटोफेल से। फिर क्या होता है कि एक दूसरे पे ये अटैक करते हैं अपनी राइटिंग के थ्रू। तो जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो एब्जुलोम एंड अकीटोफेल से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब एब्जुलोम एंड अकीटोफेल जो पोयम है इसमें चार्ल्स टू को एज अ डेविड दिखाया है और इसके बहुत सारे इलेजिटिमेट सन दिखाए हैं, जिसमें से जो इनका सबसे प्यारा इलेजिटिमेट सन होता है वो होता है एब्जुलोम, ठीक है। और जो डेविड है जिसको चार्ल्स टू की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, उसका जो एडवाइज़र है वो अकीटोफेल दिखाया गया है। तो इस तरीके की कुछ ये कहानी है जो चार्ल्स टू की लाइफ से बेस्ड है। जैसे कि चार्ल्स टू के बारे में क्या हमने पढ़ा था कि इनकी बहुत सारी मिस्ट्रेस थी, इसी वजह से इनका कोई लेजिटिमेट सन नहीं था। अब लेजिटिमेट सन नहीं था तो इनके बाद थ्रोन पर इनका भाई बैठता है, दैट इज़ जेम्स टू। तो उसी तरीके से इस स्टोरी में, पोयम में दिखाया गया है सब कुछ, ठीक है। अब ये जो पोयम है ये लास्ट में कैसे कंक्लूड की जाती है, डेविड की एक लॉन्ग स्पीच देकर इसको कंक्लूड किया जाता है। और जो भी यहाँ पर कैरेक्टर बताए ना, कोरा और शाइम, ये सब याद रखना आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो यहीं से आते हैं, इनसे कैरेक्टर ज़रूर पूछा जाता है। लाइक आप KVS, NVS, NET इन सब में देख सकते हो, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलता है, ओके। जो ये पोयम है ना इसमें पॉपिश प्लॉट एंड एक्सक्लूजन बिल इनको मॉकरी किया गया है। एक्सक्लूजन बिल एंड पॉपिश प्लॉट है क्या, पॉपिश प्लॉट के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जेम्स टू को थ्रोन सक्सीड करने से रोकने के लिए ये प्लॉट स्वर्न किया गया था। लेकिन एक्सक्लूजन बिल की बात करें तो सेम रीज़न है, जेम्स टू को थ्रोन पर जाने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इस बिल को एडवोकेट किया। बट ये एडवोकेट किसने किया था, अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी ने। अब एब्जुलोम एंड अकीटोफेल 1681 में यहाँ तक फिनिश हो जाता है। 1682 में इसका सेकंड पार्ट अपीयर होता है, उसके पीछे रीज़न भी है। फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, तो जो ड्राइडन के फ्रेंड थे नहूम टेट, उन्होंने कहा कि फर्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करो और जो भी पॉलिटिकल करंट इवेंट हो रहे हैं उनको लिखो। लेकिन ड्राइडन ने मना कर दिया, बट नहूम टेट ने इसीलिए मेनली जो ज़्यादातर पार्ट लिखा है वो नहूम टेट के द्वारा लिखा गया है। लेकिन इसमें ड्राइडन ने अपने कुछ 200 लाइंस भी लिखी हैं जिसमें इन्होंने लिटरेरी एंड पॉलिटिकल एनिमीज़ पर
अटैक किया है, जिसमें शेडवेल को एज अ ऊग एंड सैटल को एज अ डुअग बताया गया है। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है, देखिए पहले तो लिखा गया एब्जेलोम एंड अकीटोफेल, ठीक है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि पूरा आएगा नहीं ना स्क्रीन पर। अब एब्जेलोम एंड अकीटोफेल जो कि ड्राइडन ने लिखा, इसी के रिस्पॉन्स में शेडवेल ने एक वर्क लिखा लैंकेशायर विचेस, ठीक है, लैंकेशायर विचेस। ये किसने लिखा? ये लिखा शेडवेल ने, किसके रिस्पॉन्स में? एब्जेलोम एंड अकीटोफेल के। अब जो शेडवेल ने लैंकेशायर एंड विचेस लिखा था, उसके रिस्पॉन्स में ड्राइडन ने फिर लिखा मेडल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसने किसके रिस्पॉन्स में क्या क्या लिखा। तो जो मेडल है, ये एक पॉलिटिकल पोयम है, इसमें शेफ्ट्सबरी पर अटैक किया गया है। इसको एक बार आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ड्राइडन ने द मेडल लिखा, तो द मेडल के रिस्पॉन्स में शेडवेल ने द मेडल ऑफ जॉन बेस लिखा, और शेडवेल के इस वर्क के रिस्पॉन्स में फिर मैक फ्लैकनो लिखा ड्राइडन ने। तो मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ, सारा ऑर्डर आपको समझ आ जाएगा। पहले तो लिखा गया ड्राइडन के द्वारा एब्जेलोम एंड अकीटोफेल, फिर उसके रिस्पॉन्स में शेडवेल ने लिखा लैंकेशायर विचेस, फिर उसके रिस्पॉन्स में लैंकेशायर विचेस के रिस्पॉन्स में ड्राइडन ने लिखा द मेडल, द मेडल के रिस्पॉन्स में शेडवेल ने लिखा द मेडल ऑफ जॉन बेस, द मेडल ऑफ जॉन बेस जो शेडवेल ने लिखा था उसके रिस्पॉन्स में ड्राइडन ने लिखा मैक फ्लैकनो। तो इस तरीके से ये पूरा ऑर्डर है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैक फ्लैकनो की बात कर लेते हैं। अ सैटायर अपॉन ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट थॉमस शेडवेल, ये एक मॉक एपिक है। इसमें थॉम शेडवेल को एक इस तरीके से डिपिक्ट किया गया है कि इसके फिजिकल फीचर्स पर भी बात की है कि ये बहुत मोटा है, भद्दा है, दिमाग नहीं है, इस तरीके से मतलब खूब सारी मोकरी की है थॉम शेडवेल की। थॉम शेडवेल इज डिपिक्टेड एज द ट्रू सक्सेसर ऑफ मैक फ्लैकनो, जो कि किंग होते हैं, और ये ऐसे किंगडम के किंग होते हैं जो बिल्कुल नॉनसेंस होता है, मतलब इस तरीके से यहाँ पर इसकी मोकरी की गई है और पर्सनल अटैक किए गए हैं थॉमस शेडवेल पर। वैसे थॉम शेडवेल को ना तो एंड्रू मार्वल पसंद करते थे, ना ही ड्राइडन पसंद करते थे। अब ये तो हमने पढ़ लिया है कि जॉन बेस के रिस्पॉन्स में मैक फ्लैकनो लिखा गया था। अब ये भी हमने पढ़ लिया कि शेडवेल जो है वो पोइट लॉरिएट बने थे 1689 में, और 1688 तक पोइट लॉरिएट रहे थे जॉन ड्राइडन। द न्यू डेवलपमेंट इन ड्राइडन्स पॉलिटिकल करियर इन द अपीयरेंस ऑफ टू डॉक्ट्राइनल पोयम, अब इन दोनों पोयम के बारे में बात कर लेते हैं। रिलीजियोलाइजी, यहाँ पर ये इंग्लिश चर्च को सपोर्ट करते हैं। द हिंद एंड द पैंथर एन एलेगोरिकल पोयम इन डिफेंस ऑफ रोमन कैथोलिक फेथ, ही सेलिब्रेट हिज कन्वर्जन टू रोमन कैथोलिक। अब यहाँ पर ये रोमन कैथोलिक फेथ को या कैथोलिसिज्म को डिफेंस करते हैं, और यहाँ पर ये अपने कन्वर्जन को सेलिब्रेट करते हैं कि वो रोमन कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, तो उसको ये सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर। और जो ये वर्ड है हिंद, ये स्टैंड करता है यहाँ पर रोमन चर्च के लिए, और जो पैंथर है ये स्टैंड करता है एंग्लिकन के लिए। द फेबल्स, जहाँ पर जो ड्राइडन है उनकी काफ़ी अच्छी एक नैरेटिव स्किल यहाँ पर शो होती है, तो इनका ये भी काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट वर्क है। अब ये जो दो इनके पोयम हैं, यहाँ पर ड्राइडन जो है एक कुछ मेलोडियस वर्स फॉर्म में लिखते हैं, सॉन्ग फॉर सेंट ससीलियाज डे ऑन अलेक्जेंडर्स फीस्ट, जिनके बारे में हम बात भी कर चुके हैं अर्लियर पेजेस पे। लेकिन ये जो दोनों पोयम हैं, इन्होंने ये पोयम मेलोडियस वर्ड्स में लिखी हैं, और काफ़ी अच्छा इनका ये वर्क है। जॉन ड्राइडन की जो ट्रेजिक कॉमेडी है वो देख लीजिए, सीक्रेट लव, मैरिज एलामोड, एसिग्नेशन, डोन सेबेस्टियन। अब जो ये वर्क है ना डोन सेबेस्टियन, ये किंग पर है। डोन सेबेस्टियन एक किंग का नाम होता है जो पोर्टुगल के किंग होते हैं, और ये एक प्रिंसेस एल्माइडा से प्यार करते हैं। इन दोनों को कैप्चर कर लिया जाता है मूले मोलोक के द्वारा। अब मूले मोलोक जो है वो इनको कैप्चर कर लेते हैं और बाद में स्पेयर कर देते हैं जब उसको ये पता चलता है कि इन दोनों ने सीक्रेटली शादी कर ली। तो इस टाइप की ये कुछ स्टोरी है कि ये किस तरीके से बैटल ऑफ एल्केज़ार में बच जाते हैं। अब इन्होंने नेक्स्ट वर्क लिखा किंग आर्थुर। अब जो ये किंग आर्थुर वर्क है, ये एक ड्रामेटिक ओपेरा है। अब ड्रामेटिक ओपेरा का मतलब क्या होता है, ओपेरा होता क्या है? देखिए, ओपेरा ये होता है जहाँ पर जो लीडिंग रोल होता है वो म्यूज़िक का होता है, ठीक है, जहाँ पर डायलॉग्स नहीं होते। ड्रामेटिक ओपेरा इस टाइप का प्ले होता है वेयर एवरीथिंग इज संग इंस्टेड ऑफ स्पोकन, बोल के नहीं बल्कि
म्यूज़िक के थ्रू और गाकर चीज़ों को दिखाया जाता है, एक्शंस को दिखाया जाता है। अब इनका नेक्स्ट वर्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क है इनका, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। ये लॉन्गेस्ट सिंगल प्रोज वर्क है, काफ़ी लॉन्गेस्ट वर्क है ये इनका, इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग। अच्छा, यहाँ पर ये डायलॉग का मतलब है, एक्चुअल क्या होता है कि यहाँ पर चार कैरेक्टर दिखाए गए हैं, इन चारों कैरेक्टर के बीच में डायलॉग फॉर्म में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, डिबेट्स होती हैं, तो इसीलिए ये डायलॉग फॉर्म में प्रोज वर्क है। ये डायलॉग्स होते हैं इन चारों के बीच में। इट कंटेन्स एडमायरेबल अप्रिसिएशन ऑफ शेक्सपियर, जॉन फ्लेचर एंड जॉनसन, इन तीनों को इन्होंने काफ़ी एडमायर किया है। अब देखिए ये डायलॉग डिलीवरी किन के बीच में होती है या डिबेट किन के बीच में होती है, यूजीनियस, क्राइट्स, लिसिडस, नियंडर। नियंडर जो है वो ड्राइडन खुद अपने आप को एज अ नियंडर इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी यहाँ पर नाम दिए गए वो आप देख सकते हैं, यूजीनियस जो कि है सैक्विले, क्राइट्स जो कि सर रॉबर्ट हावर्ड जो कि इनके ब्रदर इन लॉ होते हैं जॉन ड्राइडन के, और लिसिडस सैडले और नियंडर ड्राइडन। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से पोइट किस किस को, किस किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसी को नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर लेते हैं। सैमुअल जॉनसन जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब ड्रामेटिक पोइजी की बात करते हैं, ड्राइडन यहाँ पर ड्रामा के बारे में स्टडी करते हैं, यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन चलता है, चारों कैरेक्टर के बीच में डिबेट चलता है, और किस बारे में डिबेट होता है, ये डिबेट होता है व्हाट काइंड ऑफ ड्रामा शुड बी कंसिडर्ड द बेस्ट, किस टाइप का ड्रामा बेस्ट माना गया है, और सब अपने अलग अलग व्यूज़ रखते हैं। और जो ये डिबेट चलता है, ये चलता है कि किस ड्रामा की मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, इस तरीके से ये बातें चलती हैं, क्लासिकल फ्रेंच एंड इंग्लिश ड्रामा इन सब के बारे में। हर एक जो यहाँ पर कैरेक्टर है वो अलग अलग ड्रामेटिस्ट को सपोर्ट करते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। यूजीनियस जो है वो सपोर्ट करते हैं मॉडर्न ड्रामेटिस्ट को, क्राइट सपोर्ट करते हैं ग्रीक एंड रोमन ड्रामेटिस्ट को, लिसिडस सपोर्ट करते हैं फ्रेंच ड्रामा को, लेकिन यहाँ पर ये एक चीज़ और कहते हैं कि फ्रेंच ड्रामा में एक बेस्ट पार्ट यह है कि ट्रेजेडी एंड कॉमेडी को सब लाइक मिंगल अप नहीं किया जाता, मिक्स करके नहीं लिखा जाता, तो इसीलिए ये फ्रेंच ड्रामा को सपोर्ट करते हैं। बट अगर नियंडर की बात करें, जो कि ड्राइडन अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, वो इंग्लिश फॉर्म ऑफ राइटिंग को प्रेज करते हैं, इसकी लिबर्टी को प्रेज करते हैं, इसके बारे में कहते हैं कि ट्रेजेडी और कॉमेडी जो यहाँ पर लिखी जाती है तो एक अलग जॉनरे निकल कर आता है, तो ये यहाँ पर इंग्लिश फॉर्म ऑफ राइटिंग को सपोर्ट करते हैं। अब इनका नेक्स्ट वर्क है एन एसे अपॉन सटायर। ये जो वर्क है चार्ल्स टू, जो किंग चार्ल्स टू है और उनके बहुत सारे इलेजिटिमेट सन हुए हैं, बहुत सारे मिस्ट्रेस थे, उसके ऊपर ये सटायर लिखा गया है। अब देखिए आपको पता है ना कि जब इनसे पोइट लॉरिएटशिप छीन ली गई थी, हिस्टोरियोग्राफर रॉयल जॉन ड्राइडन से छीन लिया था, ये जो पोस्ट इनसे छीन लेने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, और फिर इन्होंने अपना सारा वक्त जो है वो लिटरेरी लेबर में ही निकाला था। अगर हम इनके करियर के एंड की बात करें तो इन्होंने ट्रांसलेशन किया उस टाइम पर, और थिएट्रिकल राइटिंग की, इन्होंने ट्रांसलेशन किया होमर, होरेस और वर्जिल, ओविड, इन सब के वर्क का, जो इनका बेस्ट ट्रांसलेशन माना जाता है, दैट इज़ द एनेट। अब यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है ये फिनिश होता है। अच्छा, इससे पहले एक और बात, फिर 1700 में ड्राइडन जो है ही डाइड फ्रॉम गाउट, इनको गाउट हो गया था इसलिए ये इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है, ड्राइडन का बिल्कुल हमने कंप्लीट अच्छे से कर लिया है, लेकिन आगे अगर इनका एक दो चीज़ें स्किप भी हो गई हैं तो वो हम आगे पूरा रेस्टोरेशन जब अभी हम पढ़ेंगे तब हम उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारा पार्ट रहता है, रेस्टोरेशन ड्रामा पोइट्री अभी तो बहुत कुछ रहता है ना, ये तो अभी हमने सिर्फ जॉन ड्राइडन को ही पढ़ा है। तो आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ओके, और आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो आपको मेरा अगर ये चैनल, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।